स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। मैं आज आपको बताऊंगी खोआ गुलाब जामुन। खोआ गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ 300 ग्राम मावा लिया है। इसके साथ हमें जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है कि मैंने 3 से 4 इलायची यहाँ कूट के रख ली हैं। इनका मैंने बारीक पाउडर नहीं बनाया है। यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है, मोटी वाली चीनी ली है। 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। किशमिश ली है मैंने यहाँ पर 15 से 20 पीस। और यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा का उपयोग किया है। सबसे पहले हम अपने मावा को अच्छे से सॉफ्ट तरीके से इस तरीके से हाथ से मसल मसल के इसको 10 से 5 मिनट तक करते रहेंगे जिससे हमारा मावा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से हमें 5 मिनट तक करना है। ये इसको 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें मैदा मिक्स करेंगे जरूरत के हिसाब से। थोड़ा धीरे धीरे मिक्स करेंगे, एक साथ पूरा मैदा नहीं मिलाएंगे। मैदा खोआ का 1/4 लिया जाता है। ये हमारा खोआ डो तैयार है। अब हम इसमें एक पिंच लगभग बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमें। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ हथेली की सहायता से। इस तरीके से हम इसका फिर से सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये हमारा डो तैयार है। इसमें हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब हम इसके बॉल बनाएंगे। बॉल हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़े छोटे जैसे भी हमें बनाना है। और इस तरीके से हम उसके बीच में बना थोड़ा सा दबा के उसमें हमें 1-2 किशमिश रखेंगे। आप चाहें तो इसमें काजू रख सकते हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हम करके, ये चटका नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से दबा दबा के हम इसके इस तरीके से गोल बॉल्स बना लेंगे। इसी तरीके से हमें बाकी सब बनाना है। ये जो बॉल हमने बनाया है, अब हम चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसमें जो हमने 2 कप शक्कर ली है उसको डालेंगे। साथ ही इसमें हम आधा कप से 1.5 कप पानी डालेंगे और इसको चलाएंगे। और इसको हमें ज्यादा नहीं चलाना है, इसकी सब इसमें चिपचिपापन आ जाए और एक तार की जो चाशनी बनती है तब तक हमें इसे पकाना है। इसको हम लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। ये हमारी चाशनी उबल के पक चुकी है। इसको पकने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। और हम इसमें इलायची का पाउडर मिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल है तो इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं जिससे इसका कलर बिल्कुल साफ हो जाता है। और अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें गाढ़ापन है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे और गुलाब जामुन सेकने की तैयारी करेंगे। ये हमारा घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें अपने गुलाब जामुन को धीरे धीरे से, गैस का फ्लेम हम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, लो हाई पे रखेंगे और 2 से 3 3 पीस करके हम धीरे धीरे इनको सेकेंगे। इस तरीके से हम इनको चलाते भी रहेंगे घुमा घुमा के। घी में गुलाब जामुन सेकने से इनका टेस्ट और बेहतर आता है। ये हमारे गुलाब जामुन सिक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इनको सिकने में मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं। इस तरीके से ये सिक चुके हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी गुलाब जामुन को भी सेक लेंगे। ये हम अपनी गर्मा गर्म चाशनी में सिके हुए गर्मा गर्म गुलाब जामुन को डालेंगे और 1 घंटे बाद इनको सर्व करेंगे, जब तक हमारी चाशनी गुलाब जामुन में अच्छे से भर जाए। ये हमारे मावा गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। ये बहुत स्पंजी और सॉफ्ट बने हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।